अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, मेरे तरफ से आप जितने भाई हैं सभी को नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आप सभी की वहाँ पर जायज तमन्नाओं को अल्लाह पूरी करे। और मेरे तरफ से सभी भाइयों को, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी को मेरे तरफ से नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते जान लेते सबसे पहली खबर दोस्तों क्या आ रही है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है वो ओल्ड कतरी बैंक नोट्स की तरफ से आया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पूरी कतर में वहाँ पे जितने पुराने नोट्स को बंद कर दिया गया था सभी नए करेंसी को वहाँ पे लाया गया। तो इसके वजह से दोस्तों वहाँ पे 31 दिसंबर 2021 तक ये टाइम दिया गया था कि जो लोग भी अपने पुराने नोट्स को यदि बदलना चाहते हैं 31 दिसंबर तक किसी भी ATM में या किसी और कोई भी लोकल बैंक में तो जाके आप बदल सकते हैं। पर जो लोग 31 दिसंबर तक यानी कल तक जिन लोगों ने भी ये बैंक में जाके पुराने नोट को नहीं बदला है तो आपका वो लोगों का बैंक बदली नहीं होगा। अब उसको कतर सेंट्रल बैंक जाना पड़ेगा यानी QCB ही जाना पड़ेगा, वहीं पे जाके वो लोग अपने नोट को बदली कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफर था 31 दिसंबर तक ही था, 31 दिसंबर के बाद ये खत्म कर चुका है। अब ATM में या फिर लोकल बैंक में आप चेंज पैसे को नहीं कर पाओगे। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से बताया गया कि आज के दिन वहाँ पे 24 घंटे के अंदर दोस्तों 162 केसेस को वहाँ पे रजिस्टर किया गया, जो कि ये थोड़ी राहत की आज के दिन 24 घंटे के अंदर वहाँ पे 380 केसेस को वहाँ पे रजिस्टर किया गया, जिनमें से 162 लोग जो थे वो ट्रैवलर थे। यानी लगभग दोस्तों मान के चल सकते 500 से ज़्यादा केसेस को आज के दिन रजिस्टर किया गया। वहीं 24 घंटे के अंदर 162 लोग अभी ठीक भी हो चुके हैं। टोटल वहाँ पे 245,348 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं पे अब तक 51,93,431 लोगों को कोविड का वहाँ पे वैक्सीन दिया गया है। और 24 और दोस्तों बताना चाहूँगा 24 घंटे के अंदर 11,373 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं बूस्टर डोज के बारे में बात करें तो लगभग वहाँ पे 264,234 लोगों को बूस्टर डोज दिया जा चुका है और लगभग 86.2% लोगों को अब तक वहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड भी किया जा चुका है। तो दोस्तों थोड़ी ये राहत की खबर है। अगली अपडेट साथियों जो आ रही है MOCI की तरफ से आ रही है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटर की तरफ से जॉइंट कैंपेन दोस्तों इंस्पेक्शन चलाया गया, कैंपेन चलाया गया। कैंपेन के दौरान जितने भी वहाँ पे दोस्तों आउटलेट हैं या दुकानें हैं जो कि जहाँ तहाँ लगाते हैं उन सभी को वहाँ पे चेक किया गया, वॉयलेशन को देखा गया और बहुत सारे दुकानों को पकड़ा भी गया है वॉयलेशन करते हुए और बहुत सारे दुकानों को फाइन लगा के छोड़ा भी गया है। तो दोस्तों ये जो कैंपेन चलाया गया था ये मुकनीस एरिया में, फरीज अल असमख में और फरीज अब्दुल अजीज एरिया में, इन सभी जगहों पर दोस्तों कल के दिन वहाँ पर ये कैंपेनिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलाया गया। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है साथियों नया साल आज के दिन आ चुका है। तो आज 1 जनवरी 2022 हो चुका है तो कतर फ्यूल प्राइस का भी नया लिस्ट आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप गैसोलाइन लेते हैं 1 लीटर तो आपको 2.2 कतरी रियाल पर लीटर आपको पड़ेगा। यदि आप सुपर गैसोलाइन यदि आप लेते हैं तो आपको एक लीटर के लिए 2.10 कतरी रियाल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 1 लीटर डीजल लेते हैं तो 2.05 पर कतरी रियाल आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1 लीटर के लिए। तो दोस्तों ये नया अपडेट, ये नई पेट्रोल की प्राइस है और ये सभी तेलों की प्राइस है। ये दोस्तों हमेशा चेंजिंग होता है हर महीने, पर कुछ पॉइंट का ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगली दो अपडेट साथियों आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटर तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटर तरफ से बताया गया है कि आज के दिन 24 घंटे के अंदर वहां पे 223 लोगों को पकड़ा गया है COVID-19 के बनाए गए को नियमों का उल्लंघन करने के लिए, जिनमें से 221 लोग ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे, 2 लोग ऐसे थे जो कि एतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए थे, जिसके वजह से सभी को बनाए गए नियमों का लॉ नंबर 17/1990 के तहत इन्फेक्शन डिजीज फैलाने के जुर्म में सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे।